अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होती है हमारे पास, हम दो स्ट्रिंग्स को कैसे कंकैट कर सकते हैं और स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस देखेंगे। तो बेसिकली आज की वीडियो के हमारे 3 टॉपिक्स हैं, तो एक एक करके हम इन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट हम ये देखते हैं कि स्ट्रिंग डेटा टाइप हमारे पास यूज़ कहाँ होती है। तो बेसिकली जब भी हमारे पास सीक्वेंस ऑफ करेक्टर की बात आती है वहाँ पे हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग में मैं एक नेम वन लूँ जिसमें नाम मैं रखती हूँ हमज़ा, एक स्ट्रिंग में नेम टू ले लूँ जिसमें सेम मैं क्या रखती हूँ डेटा हमज़ा ही रख लेती हूँ, सॉरी इसको हम क्या करते हैं सिंगल कोट में ले लेते हैं। तो डार्ट हमें इतना फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अगर हम एक स्ट्रिंग को डबल कोट्स में पास करें या सिंगल कोट में पास करें तो वो क्या करेगा, इसको कंसीडर कर लेगा। अगर मैं हम इसकी आउटपुट देखेंगे नेम वन की और नेम टू की तो क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी हमारे पास। तो देखें आउटपुट क्या है, बिल्कुल सेम आई है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम एक स्ट्रिंग को डबल कोट्स में पास करें या सिंगल कोट में पास करें तो हमारी आउटपुट सेम रहेगी हमेशा। लेकिन ठीक है, मैं इसे अभी क्या करती हूँ रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पर अगर मैं फिलहाल एक सेंटेंस लेना चाह रही हूँ, सेंटेंस ले लेती हूँ इट इज़ ईजी। ठीक है, अगर मैं इसे प्रिंट कराऊं, ये एक सिंपल सेंटेंस है, मैं इसे अगर रन कराऊं तो मेरे पास इट इज़ ईजी लिखा हुआ आ गया। अगर मैं इसको मैं क्या करूं कि मैं चाहती हूं कि अपोस्ट्रोफी में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, अपोस्ट्रोफी दूं, अपोस्ट्रोफी एस दे दूं, तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एरर जनरेट हो गया। कि सम टाइम ये होता है जब हम सिंगल कोट में अपोस्ट्रोफी का यूज़ करना चाह रहे होते हैं तो डार्ट हमें क्या कर देता है, एरर दे देता है। तो क्योंकि कंपाइलर हमारा रीड ही नहीं कर सक रहा होता कि ये क्या बेसिकली लिखा हुआ क्या है। तो अगर मैं हम ये काम करना चाहते हैं, मतलब अपने सेंटेंस में या अपने वेरिएबल्स में यूज़ करना चाहते हैं अपोस्ट्रोफी का, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं डबल कोट का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास एरर रिमूव हो जाएगा। अगर मैं इसे अगर रन करूँ तो मेरे पास देखें इट्स ईजी आ गया। तो इन चीज़ों का हमें थोड़ा सा डार्ट में ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हमने अपोस्ट्रोफी का यूज़ करना है सेंटेंस में तो वहाँ पे हम क्या करेंगे डबल कोट्स में वैल्यू को पास करेंगे। अब हम देख लेते हैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन को। मैं यहाँ पर एक नेम के नाम से वेरिएबल बना लेती हूँ जिसमें मैं रखती हूँ हमज़ा को, और मैं प्रिंट कराना चाह रही हूँ माय नेम इज़, ठीक है, हमज़ा। तो इसके लिए अब हमज़ा मैंने कहाँ लिखा हुआ है, एक वेरिएबल में स्टोर कराया हुआ, एक वेरिएबल में स्टोर कराया ना, तो इसको कंकैट करने के लिए मुझे प्लस का ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। मैं आगे ये चाह रही हूँ कि माय नेम इज़ के बाद क्या लिखा हुआ है, हमज़ा लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्लस का सिंबल यूज़ करना पड़ेगा, देन जो नेम होगा मतलब वेरिएबल होगा हम उसे कॉल कराएंगे। ठीक है, ऐसे मैंने क्या किया, प्लस का सिंबल यूज़ किया, देन उसके बाद क्या किया जो हमारा वेरिएबल नेम था वो वहाँ पे लिख दिया। अगर मैं इसे रन करूँ तो मेरे पास लिखा हुआ गया माय नेम इज़ हमज़ा। अगर मैं यहाँ पे समझे वेरिएबल को कॉल नहीं करवाना चाहती, यहाँ पे एक और स्ट्रिंग देना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स जैसे आप लेना चाहें और हार्ड कोट में वैल्यू को पास कर दूँगी। तो उसके लिए भी हमारे पास सेम हमें प्लस सिंबल का ही यूज़ करना पड़ेगा। देखिए अब मैं अगर रन करूँ इसे तो वही सेम आउटपुट है माय नेम इज़ हमज़ा। तो हम वेरिएबल्स को भी कॉल करा सकते हैं, वेरिएबल को भी कॉल करा सकते हैं ऐसे, और सिंपल हार्ड कोड में भी वैल्यू दे के कंकैट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेती हूँ str के नाम से, ठीक है, क्योंकि हम स्ट्रिंग के फंक्शन देख रहे हैं तो मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म ले लेती हूँ str, जिसमें मैं रख लेती हूँ एक नाम, मैं रख लेती हूँ ईमान,
ईमान को सेव करा लेते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि जो सारे लेटर्स हैं मेरे पास, सारे लेटर्स जो है मेरे पास ये स्मॉल हो जाएं, तो उसके लिए फंक्शन है मेरे पास, हम सीधा काम कर करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। तो str, पहले उसके लिए str मतलब हमारा वेरिएबल नेम को कॉल करना पड़ेगा, डॉट लगा के हमारे पास टू, ये लोअर केस का फंक्शन आ गया हमारे पास, टू लोअर केस का फंक्शन यूज़ कर लेंगे हम। तो इससे क्या होगा, हमारे सारे लेटर्स स्मॉल हो जाएंगे। तो क्या हो गया, सारे अल्फ़ाबेट्स क्या हो गए, स्मॉल लेटर्स में हो गए, लोअर केस हो गया। अगर मैं चाहती हूँ कि सारे हो जाए अपर केस में, मतलब सारे कैपिटल हो जाए, तो लोअर की जगह मुझे क्या यूज़ करने का पड़ेगा, अपर। अगर मैं इसे रन करूँ तो देखिए मेरे पास सारे क्या हो गए, अपर में हो गए। अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं, मुझे ये पता चले कि इसकी लेंथ क्या है, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, str इक्वल टू str डॉट लेंथ कर लेती हूँ। यहाँ पे हो गया लेंथ का फंक्शन। अब ये क्या हो रहा है, पहले हम ये देख लेते हैं कि मैंने क्या किया, str डॉट लेंथ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल, न्यू वेरिएबल बना लेते हैं l के नाम से। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो str डॉट लेंथ का काम हो रहा है, यहाँ से क्या होगा, लेंथ में जितने भी करेक्टर्स आएंगे, ठीक है, ये इंटीजर में बेसिकली हमारे पास आएंगे, जितने भी हमारे पास करेक्टर आएंगे ना, वो किस में सेव हो जाएंगे, इस l में। अब हम क्या करते हैं, इस l को प्रिंट करवा लेते हैं, इस l को क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ तो मेरे पास कितने आ गए, 5 करेक्टर्स आ गए। अब हम एक और फंक्शन देखते हैं जिसमें हम नेम को, या अगर हम कुछ चीज़ रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे मैंने गलत कुछ लिख दिया और रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। मैं यही सेम स्ट्रिंग लेती हूँ, इसमें मैं क्या करती हूँ, एक सेंटेंस लिख लेती हूँ, माय नेम इज़ आयजा। तो ये यहाँ से हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, str जो हमारे वेरिएबल का नाम है, डॉट करके रिप्लेस आल का फंक्शन कॉल कर लेती हूँ। रिप्लेस आल का फंक्शन होगा हमारे पास, ये सिंपल जो फंक्शन होगा, ठीक है, ये कॉल कर लेते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, जो नाम हमने चेंज करना है, ठीक है, पहले वो लिखना पड़ेगा कि मैंने आयजा को चेंज करना है, और किस से चेंज करना है वो भी हमें देना पड़ेगा। जैसे मैं देना चाह रही हूँ अनाया, ठीक है। अगर हम इसे रन करके इसकी पहले आउटपुट देख लेते हैं, तो देख लें यहाँ पर क्या आया, माय नेम इज़ अनाया आया, आयजा नहीं आया, क्योंकि स्ट्रिंग में मैंने क्या दिया था, माय नेम इज़ आयजा। तो मैंने रिप्लेस आल का फंक्शन कॉल करके आयजा की जगह, ठीक है, आयजा की जगह पहले हमने जो नाम चेंज करना होगा, पहले हम वो पास करेंगे सिंगल कोट्स में, और जो नाम रखना होगा फिर कॉमा डाल के वो लिखेंगे। तो देखें ये हमारे पास चेंज हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेम यही सेंटेंस लेते हैं, और अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरी जो सेंटेंस है इसको क्या करूँ, एक एरे की फॉर्म में बना लूँ, मतलब एरे हम अगर डार्ट में बांट करें तो एक लिस्ट की फॉर्म में बना लूँ, कि मतलब स्प्लिट कर दूँ, तो उसे हम, वो भी हम देख लेते हैं। ये यहाँ से ये रिमूव करना पड़ेगा हमें, इन जितना भी अंदर का ये रिमूव करके रिप्लेस आल की जगह हम क्या करेंगे, क्योंकि तोड़ना है स्प्लिट का, स्प्लिट करना है, तो हमारे पास उसके लिए है स्प्लिट का फंक्शन। और यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, अंदर सिंगल कोट्स भी पास करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब भी आपने स्प्लिट का फंक्शन यूज़ करना है, तो उसके अंदर जो उसकी बॉडी होगी, मतलब जैसे स्प्लिट की फंक्शन की बॉडी क्या है, ये दो टू ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोट भी पास करने पड़ेंगे। अगर मैं इसे रन करूँ, ठीक है, तो ये देखें क्या बन गया, माय एक लफ्ज़ बन गया, नेम एक लफ्ज़ बन गया, इज़ एक लफ्ज़ बन गया, और आयजा एक लफ्ज़ बन गया हमारे पास। तो ये हमारे पास एक एरे की शेप में आ गया, मतलब अगर डार्ट में हम बात करें तो एक लिस्ट बन गई है हमारे पास, ठीक है। ये देखें, आप याद रखिएगा, जब आप जो ये सिंगल कोट्स होंगे इनके दरमियान में आपने स्पेस देनी है, तो ऐसे हमारे पास आ जाएगी। अगर आप चाह रहे हैं कि एक एक वर्ड सेपरेट हो जाए, ठीक है, एक एक वर्ड सेपरेट हो जाए, तो आप ये स्पेस ख़त्म करेंगे। अगर मैं इसे अगेन रन करूँ तो ये देखें, हर एक वर्ड के बाद कोमा आ गया, कि उसने हर एक वर्ड को एक लिस्ट का करेक्टर बना दिया हमारे पास, उसने कोई स्पेस नहीं दी हुई है। देखें यहाँ पर एक एक करके उसने सारे को
लिस्ट का करेक्टर बना दिया। अगर मैं इसको स्पेस दूं और अगेन रन करूं तो उसने क्या किया, हर एक वर्ड को लिस्ट का करेक्टर बनाया, हर एक करेक्टर को नहीं बनाया। और अगर हम यहाँ से क्या फाइंड करना चाहते हैं कि हमारा ये जो माई है किस इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से प्रिंट को रिमूव कर दूँ, ठीक है, तो मैं ये काम क्या करती हूँ, इसको क्या करती हूँ, एक एरे के अंदर स्टोर करा लेती हूँ कि जितने भी स्प्लिट करेक्टर आएंगे मैं क्या करूँगी, किस एरे के अंदर क्या करूँगी, स्टोर करवा लूँगी। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट में एरे लिख के, क्योंकि अब जो भी चीज़ है किस में स्टोर हुई हुई है, इस एरे में स्टोर हुई हुई है। तो अगर मैं फाइंड करना चाहूँ, ठीक है, इस एरे के साथ हम क्या करेंगे, स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर अगर मैं लिखूँ फोर इंडेक्स पे, ठीक है, अब हम देखना चाह रहे हैं फोर इंडेक्स पे, और इसे अगर मैं रन करूँ तो ये देखें उसने क्या एरर दिया है, अनकैच एरर, कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो गया। कि हम फोर अगर मैं इसे थ्री दे दूँ और अब इसे अगर रन करूँ तो यहाँ पर क्या आ गया, मेरे पास आइज आ गए। तो जीरो करेक्टर पे हमारे पास माई पड़ा हुआ है, वन पे हमारे पास नेम पड़ा हुआ है, इस जो है वो सेकंड पे पड़ा हुआ है, और थर्ड वन पे क्या पड़ा हुआ है, आइजा पड़ा हुआ है। फोर्थ में हमारे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने मुझे क्या दिया था, एरर जनरेट कर दिया था। अगर मैं यही बात करूँगी उसे कहूँगे मुझे ज़ीरो करेक्टर वाला फाइंड करके ला के दो, तो उसने क्या किया, माई को फाइंड कर दिया हमारे पास।